ये लेकिन आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आईएएस आईपीएस अफसर चलाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है, ये जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वह पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह समन्स पर नहीं आए इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी मांगने का क्या कारण है? क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर फ्लाइट रिस्क है कि वो भाग जाएंगे, कि वो गायब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है? किसी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए भी नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन जिसको अक्यूट डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है, उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैम, आप क्या कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले को लेकर, लीगल को? हम बिल्कुल आज अपने वकीलों से बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने की हमारी पिटिशन लगी हुई है। इस पिटिशन का क्या ऑर्डर आता है उसके बाद हम एक बार ये अपने सारे वकीलों से बातचीत करके अगले स्टेप्स लेंगे। हम तो कह ही रहे थे कि उनका तो मकसद ही यही है, किसी ना किसी केस से, किसी ना किसी झूठे आरोप से आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में भेजना। उन्होंने तो खुद ही हमारे आरोप का जवाब दे दिया है कि उनका मकसद ही यही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देना। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि इतने कम दिनों में 4.5 किलो वजन करना बहुत गंभीर समस्या है। ये वो आरोप लगा रही हैं सरकार की, साजिश बता रही हैं केंद्र सरकार की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।